अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुभान बॉक्सर अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों आज के व्लॉग में हम क्लॉक टावर के अंदर जाने वाले हैं, आपको क्लॉक टावर की पूरी सैर करवाने की कोशिश करूंगा और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लॉक टावर के बारे में चाहिए, जितनी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा हुआ है, इंशाल्लाह सारी देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो मैं क्लॉक टावर की भी एंट्रेंस पर आ चुका हूँ। इसके एंट्रेंस पर क्या व्यू है जी, मज़ेदार एंट्रेंस है क्योंकि एंट्रेंस जो है बिल्कुल हरम के दरवाजे के सामने है। तो दोस्तों अंदर जाके जितनी मतलब कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं क्या हर बंदा यहां आ सकता है, क्या क्लॉक टावर का जो रूम है वो इतना एक्सपेंसिव है कि हर बंदा ले सके या नहीं, बाकी बातें अंदर जाके करते हैं। चलते हैं जी अब क्लॉक टावर की एंट्रेंस से अंदर की तरफ, मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, फजर की नमाज करके जो लोग हैं वो निकल रहे हैं हरम शरीफ से एंट्रेंस पे। ये देखें क्लॉक टावर की एंट्रेंस से क्या प्यारा व्यू है माशाल्लाह। ये जितने भी लोग जा रहे हैं आपको तो ये लग रहा होगा कि ये सारे लोग क्लॉक टावर के अंदर रहाइश पजीर हैं, मतलब ये इन्होंने होटल बुक किया हुआ है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुतालिक ऐसा नहीं है। बाकी डिटेल आपको मैं एंट्रेंस से दाखिल होकर बताता हूँ। ले जी दोस्तों क्लॉक टावर के अंदर तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अंदर से तो ये कहीं से भी होटल ही नहीं लग रहा, ये तो ऐसे किसी फाइव स्टार सुपर शॉपिंग मॉल में हम लोग आ चुके हैं। वाओ ऑलमोस्ट ये सारा शॉपिंग एरिया नीचे, और मोस्टली 90% मेरे ख्याल में यहाँ जो है ना वो परफ्यूम्स की दुकानें हैं, जो इनके सऊदीया के अपने ब्रांड्स हैं, जैसे ऊद है, अलमुसबा। ये जी क्लॉक टावर का ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक जाने की कोशिश करेंगे जी, और उसके बाद होटल के अंदर भी जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ऊपर जाके जो क्लॉक टावर की वाच है वहाँ से भी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को व्यू दिखाया जाए। दोस्तों क्लॉक टावर के ग्राउंड फ्लोर की तो मैंने आपको थोड़ा सा विजिट करवा दिया, अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये स्टेयर मेरे सामने आ चुकी हैं, यहाँ से अब चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको फर्स्ट फ्लोर का जो है ना मैं विजिट करवाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का क्या कमाल का व्यू है। अभी फजर का टाइम है, लोग नमाज पढ़ के वापस आए हैं ये जितने भी हैं। वाह कमाल का खूबसूरत है। ये लिफ्टें जो इन्होंने लगाई हैं इनकी स्पीड बताई जाती है जी, बहुत स्पीड से ये ऊपर होटल में आपको जो है ना पहुंचाती हैं जी। हाँ दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर तो मैं आ चुका हूँ। ये जी स्टारबक्स, यहाँ भी जो है ना ब्रांडेड शॉप्स हैं। जो ग्राउंड फ्लोर पे जो मैंने देखा है वो जो सऊदीया के अपने ब्रांड हैं, मतलब उन्होंने उनको हाइलाइट्स किया हुआ है। ज़्यादातर जो ग्राउंड फ्लोर में शॉप्स हैं वो इसकी थी परफ्यूम्स वगैरह की, जो अतर सऊदीया के बड़े फेमस अतर हैं आप जानते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में नीचे की तरह रौनक नहीं है। यहाँ भी शॉपिंग सिस्टम है, लेकिन ये कपड़ों की दुकान है बच्चों की, लेकिन वो जिस हिसाब से नीचे था उस हिसाब से नहीं। अभी हम जाएंगे जी सेकंड फ्लोर की तरफ। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से जुड़िए रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं क्या आप भी क्लॉक टावर में रूम बुक कर सकते हैं, कि आप भी मेरी तरह इस तरह यहाँ ईजिली आके मतलब शॉपिंग कर सकते हैं या यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ए टू जी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये सामने कोस्टा कॉफ़ी, ये इटालियन ब्रांड है, ये फर्स्ट फ्लोर पे है जी। इसके बाद ये अमेरिकन ब्रांड स्टारबक्स, ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं आप जानते हैं, मतलब ऊपर जो सेकंड फ्लोर पे हैं वो मल्टीनेशनल ब्रांड है, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ इन लोगों ने सऊदीया के जितने भी ब्रांड्स हैं वो मुतारफ करवाए हैं। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर की तरफ जो है ना मैं जा रहा हूँ। ये देखें, तो दोस्तों सेकंड फ्लोर पे मैं आ चुका हूँ। सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का थोड़ा सा व्यू देखें, अब थोड़ी सी डिटेल में आपको सेकंड फ्लोर की बताता हूँ।
दोस्तों सेकंड फ्लोर से भी नीचे ग्राउंड फ्लोर का क्या कमाल का नज़ारा है, लेकिन सेकंड फ्लोर पे आके कोई इतना ज़्यादा वो जो है ना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। यहाँ फर्स्ट मोबाइल एक मोबाइलों की दुकान देख ली है, सामने मैडो ब्रांड है जी, मैडो एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, वो मैडो सिंपली के जो सेकंड फ्लोर के ऊपर भी शॉपिंग मॉल ही है सारा। अब चलते हैं थर्ड फ्लोर, और मुझे लग रहा है कि थर्ड फ्लोर जो है वो फूड कोर्ट है। चलते हैं जी फूड कोर्ट की तरफ, थर्ड फ्लोर की तरफ जनाब। थर्ड फ्लोर पे जाके देखते हैं फूड कोर्ट कैसा है। दोस्तों थर्ड फ्लोर पे मैं आ चुका हूं और ये है सारा फूड कोर्ट। मैं साथ साथ आपको सारे रेस्टोरेंट्स की जो है ना वो विजिट करवाता हूँ। KFC, इसके साथ हरदीज, मैं आपको स्लोली स्लोली पिज़्ज़ा हट, बास्किन रॉबिन, ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड आपके सामने। मतलब थर्ड फ्लोर में बर्गर किंग, आई एम हंग्री, क्रिस्पी रोल, बंदर जेलो, ये मल्टीनेशनल आइसक्रीम का है। इसके साथ आपको जो है ना स्नैक्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो हम सिर्फ ये मतलब सिंपली सी बात है कि थर्ड फ्लोर पे जो है ना ये सारा इन्होंने मल्टीनेशनल ब्रांड्स के जो है फूड्स और कॉफ़ी वगैरह स्नैक्स बनाए हुए हैं। गोल्ड ऑफ द किंगडम, ये जो सोने की दुकान, अबराज एवेन्यू, ये अभी थर्ड फ्लोर पे हूँ मैं। वो सामने अबराज बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन हर तरह का जो है ना वो आपको शॉपिंग का सामान वहाँ से मिल सकता है, इवन के ग्रोसरी भी। ये सामने जनाब शूज़ के सारे ब्रांड्स हैं, एडिडास, नाइक, मतलब यूरोपियन टोटल ब्रांड यहाँ जो है ना अवेलेबल हैं थर्ड फ्लोर पे। ये अबराज शॉपिंग मॉल में जी परफ्यूमों की एक साथ की नुमाइश लगी हुई है, और ये मोस्टली जो है सऊदीया के ब्रांड्स हैं सारे जितने भी। कमाल का 5-स्टार शॉपिंग मॉल है जी ये जी। थर्ड फ्लोर से सारा व्यू, नीचे ग्राउंड फ्लोर। पाकिस्तान में इस तरह एम्पोरियम इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन ये तो फिर एक क्लास है। कमाल का व्यू, फोर्थ फ्लोर के जाने के रास्ते में जनाब ये मसाज सेंटर है छोटा सारा। ये जी फोर्थ फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं, आते ही अबराज हाइपर मार्केट ग्रोसरी स्टोर। फोर्थ फ्लोर जो है ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा सुनसान हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अब रेजिडेंस एरिया शुरू होने वाला है, सब्बारो, न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा, अबराज मार्केट का दूसरा पार्ट। ये लिफ्ट है, ये जो रेजिडेंशियल एरिया, ये लोग ऊपर जा रहे हैं। ये जी फोर्थ फ्लोर से नीचे का एक छोटा सा व्यू दिखाऊं और फिर ऊपर क्लॉक टावर की तरफ चलते हैं। फूड कोर्ट, शॉपिंग मार्ट, कमाल का व्यू है जी ऊपर से। अब चलते हैं ऊपर क्लॉक टावर की तरफ। दोस्तों आपको दिखाता चलूं, ये सामने 5 लिफ्ट हैं, इसके बिल्कुल सामने फिर 5, उस साइड पे 10 लिफ्ट हैं, और 10 ही लिफ्टें इस साइड पे हैं। ये लिफ्टें काफ़ी बड़ी बड़ी और तेज़ हैं, इन लिफ्टों के थ्रू जो है ना हमने अब ऊपर जाना है, ऊपर मेन क्लॉक टावर के पास। दोस्तों सच बताओ तो हम किस जगह पे हैं कोई पता नहीं, क्लॉक टावर इतना बड़ा है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा लिफ्टें हैं कि हमने कौन सी लिफ्ट यूज़ की और कौन सी करनी थी कोई समझ नहीं आ रही। फिलहाल हम ऊपर आ गए, ये भी कोई शॉपिंग मॉल टाइप ही है, लेकिन इसके साथ रेजिडेंशियल एरिया भी है। पीछे काफ़ी बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स है, वहाँ बूफे लगा हुआ था, और मलेशिया के लोग और इंडोनेशिया के लोग जो है ना वहाँ जो रहाइश पजीर थे वो खाना खा रहे थे। अब निकलने की कोशिश करते हैं बाहर, क्लॉक टावर के पास जो है ना जाना तो है आपके लिए। इतनी ज़्यादा लिफ्टें हैं क्लॉक टावर के अंदर कि आप काउंट नहीं कर सकते, नंबर एक, नंबर दो, और इतनी स्मूथ और इतनी फास्ट कि हम लोग तकरीबन 10 फ्लोर ऊपर आए हैं और पता ही नहीं लगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है ना हम लोग ऊपर आए। अभी आपको लिफ्ट के अंदर का व्यू भी करवाता हूँ। ये सारे लिफ्ट्स हैं, लिफ्ट के अंदर हम लोग आ चुके हैं। Thank you.
ये जी तकरीबन 15 सेकंड में जो है ना 10 से 12 फ्लोर हम लोग करके आए हैं। ये देख कमाल की इन्होंने पता नहीं कि स्पेशली वो लिफ्ट लगाई हुई हैं भाई जान। हम जो है ना अभी 12वें फ्लोर से एकदम नीचे जो है ना -2 पे आ गए हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं कि दोबारा हम लोग ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि हम ऊपर रेजिडेंशियल एरिया में नहीं जा सकते जब तक ऊपर हमारा कोई दोस्त ना रहता हो या हमारी अपनी बुकिंग ना हो। तो अभी हमारा एक दोस्त ऊपर है, जोहर के बाद जो है ना हमें परमिशन मिली है, हम उसके पास जाएंगे, वो फिर हमें क्लॉक टावर तक लेके जाएगा। तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह, आपको क्लॉक टावर का आज पूरा व्यू दिखाऊंगा और क्लॉक टावर का होटल कैसे बुक होता है, क्लॉक टावर में आप कैसे आ सकते हैं, कहां तक आपकी रसाई है, और क्लॉक टावर से बैतुल्ला शरीफ का जो व्यू है वो तो मैंने आपको ज़रूर दिखाना है। तो साथ रहिएगा। ये देखें जी दोस्तों, क्लॉक टावर के टॉप से हरम शरीफ का मंजर, क्या कमाल का मंजर है जी। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, नीचे जी तवाफ हो रहा है जी बैतुल्ला शरीफ का। वाह सुबहान अल्लाह, क्या कमाल का व्यू है जी। ये ना जी क्लॉक टावर के बिल्कुल पास क्लॉक टावर का क्लोजअप व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये मक्का में आप कहीं भी हो तो आपको ये क्लॉक टावर नज़र आता है। अभी मैं इसके बिल्कुल पास खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अभी तक आपको मैंने क्लॉक टावर के नीचे वाले फ्लोर, शॉपिंग एरिया, फूड कोर्ट्स वगैरह दिखाए हैं और ऊपर क्लॉक टावर का क्लोजअप व्यू भी दिखाया है। अभी आपको मैं होटल रूम से जो है ना नीचे का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों आप देखें विंडो से नीचे का व्यू, वाह कमाल का व्यू है दोस्तों। वो सामने हरम शरीफ है, ये सामने नीचे जो दूसरे होटल हैं वो, वाह सच में कमाल का व्यू है दोस्तों, क्या बताऊँ आपको। थोड़ा सा जूम करके क्लोजअप करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जरा देखिएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने रूम से बाहर को निकलते हैं तो ये बाहर की जो गली है मक्का क्लॉक टावर के अंदर की, देखें कितनी खूबसूरत है। नीचे कारपेट बिछा हुआ है, कमाल है जी। दोस्तों जिस साइड पे कारपेट बिछा हुआ है ये सारे रूम हैं, और जिस साइड पे कारपेट नहीं बिछा हुआ उस साइड पे सारे लिफ्ट्स हैं। ये सारे रूम्स के पास से मैं गुजर रहा हूँ कारपेट के ऊपर, और ये लेफ्ट साइड पे दोबारा लिफ्ट्स आ गए सारे, नीचे फर्श हैं, जिधर लिफ्ट्स हैं वहाँ फर्श हैं। तो दोस्तों अब मैं लिफ्ट का बटन प्रेस करके नीचे हरम की तरफ जा रहा हूँ। तो वीडियो का भी एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बना ली। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।